बात कर रहा हूँ जिसमें कलरफुल है, ये मैं बम कलरफुल इसलिए बनाया क्योंकि एज सर ने भी सेकेंड टाइम जब भी बोला था कि ये मत समझना कि ये डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब है, ये कंस्ट्रक्टिव बॉम्ब है। कंस्ट्रक्टिव बॉम्ब बोला तो कुछ खुशखबरी रहता है और वो थोड़ा शॉकिंग रहता है लेकिन खुशी रहता है, इसीलिए मैंने उसका नाम हैप्पी बॉम्ब रखा फूटने से पहले, नहीं तो लोग बोलेंगे एज सर बॉम्ब फूटने वाला है जरा बच के रहना। यहाँ पर भी मैंने बॉम्ब लिख दिया तो बॉम्ब इटसेल्फ इज लाइक अ नेगेटिव वर्ड चलता है, तो उसको अगर मैं हैप्पी लगाता हूँ सामने तो समझ जाएगा कि समथिंग वेरी पॉजिटिव इज गोइंग टू हैपन। तो यहां से मैं जब भी टॉपिक से लेता हूं तो बॉम्ब से शुरू करता हूं कि यहां पर सुपर एक्साइटेड क्यों होना चाहिए, बॉम्ब तो गिरने वाला है, चलो पहले एक बॉम्ब था दो बॉम्ब हो गया, लेकिन एज सर ने जो बोला था उसका वर्डिंग्स अगर आप पकड़ लिए हो और आपको समझ गया रहेगा, बॉम्ब तो हमारे पास बहुत गिरा है 5 साल में, बहुत सारे अलग अलग बॉम्ब गिरा है, उसपे मैं आऊंगा क्या क्या बॉम्ब गिराए हैं, हम लोग साथ में थे, हम लोग को लगा कि बुर्ज खलीफा में सिर्फ ऐड चल रहा है लेकिन बाद में बोला अरे ऐड तो क्या इतना बड़ा इतने इतना हल्ला क्यों मचाने का था, ऐसा पीछे से लोग बोल रहे थे, फिर अचानक समझा कि भाई अपन ने ले लिया फ्लोर, एक नहीं दो फ्लोर लिया, इसको बोलता है बॉम्ब। ओके, ऐसे बॉम्ब कई हुए जैसा अपना स्टेशन ले लिया, वो भी एक बॉम्ब है, मतलब रीचिंग द टॉप, ऊपर टॉप पहुंच रहे, लेकिन ये बॉम्ब सुपर स्पेशल क्यों है और एक बड़ा बॉम्ब और छोटा बॉम्ब इसलिए बनाया क्योंकि वो बड़ा बॉम्ब क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा फाउंडर्स लोग के लिए खास है, मतलब बाकी सब बॉम्ब ऑन पैसिव एज अ होल एज अ ऑफिस, ये पूरा इकोसिस्टम, हम जितने फैमिली में सब लोग है तो उसमें हम लोग एक अलग जगह है, हमारा हमारा एक स्पेशल जगह है। और एज सर जब बोलते हैं कि दिस इज ओनली फॉर द फाउंडर्स, स्पेशली फॉर द फाउंडर्स, उसका मतलब समझने का कि ये फाउंडर्स के लिए कुछ ना कुछ एकदम रावस वाला एक जबरदस्त वाला बॉम्ब बनाया है और वो बॉम्ब का मुझे भी इंतजार है, आई एम डेफिनेट, क्योंकि मुझे यकीन था कि एज सर अगर इतना टाइम हमारे साथ बिताया, इतने साल हम उनके साथ थे, तो डेफिनेटली जब मार्केट में वो चीज उतर रहा है, मार्केट में जब भी उतर नहीं रहा है, हमको मालूम है 100% कि ये बॉम्ब फूटने वाला और जबरदस्त एक्सप्लोजन विच इज हैप्पी एक्सप्लोजन, वी आर चेंजिंग नॉट ओनली द इंटरनेट बट इट इज गोइंग टू इफेक्ट द होल प्लैनेट, पूरा का पूरा प्लैनेट को इफेक्ट करने वाला है, ऐसे तैयारी में है। और हम लोग जब बार बार बोलते हैं हम जीत गए हैं, हमसे ज्यादा एज सर को मालूम है बिकॉज उसको मालूम है उन्होंने क्या क्या कर दिया। लेकिन ये टॉपिक पर जाने से पहले ये छोटा बॉम्ब बड़ा बॉम्ब हमको फक्र होना चाहिए कि एज सर ने फाउंडर्स के बारे में सोचा और ओपनली बोला कि भाई 3 पैंट पहन के आना जब भी मैं वो बॉम्ब डालेगा, तो डेफिनेटली वॉट एवर, मैं तो ये एक्सपेक्ट, देखो एक्सपेक्टेशन हम लोग करते हैं क्योंकि वो बात करते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट तो हम बहुत चीज करते हैं, हमारे पास इधर एक्सपेक्टर्स का अलग अलग लिस्ट है, एक तो एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि भाई हमारा फ्यूचर सेट है, हमारा फ्यूचर जबरदस्त है और हम लोग वहां जा रहे हैं, वो कौन है, वो जो एक्टिव है लाइव है इधर दिख रहा है अंडरग्राउंड में क्या चल रहा है, वो कार्यक्रम क्या हो रहा है, उन लोग है। और दूसरे एक है जो बोलता है उसको पूछेगा उसका ब्लेसर को कभी चलना होगा, कभी आएगा, कभी गिरेगा, मतलब उसके लिए तो वो है कि भाई लॉन्च कभी होगा, लॉन्च तो हो गया है, हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम सब कुछ हो गया, अभी सेकंड प्रोग्राम होने को जा रहा है वो मीडिया का आपने देखा है, वो सेम एरेना में, तभी कोई एक सिंगर था जो अरेबिक मेल सिंगर, अभी फीमेल सिंगर है, ये सब एक्टिविटी चालू हो गया है। ओके, लेकिन जब भी लोग बोलते हैं सेकंड वाले, उन लोग को मालूम है कुछ अच्छा होने वाला है, कोई मैसेज कभी कभी आता है, फोन तो मैं अभी नहीं उठाता हूँ, कम उठाता हूँ या ऑलमोस्ट नहीं उठाता हूँ, मैसेज आता है सर आज तो कुछ कीजिए बहुत हो गया, मतलब मेरे को हंसने को आता है कि वो मेरे को मैसेज भेजता है और बोलता है अभी जल्दी से जल्दी चालू कीजिए, एज इफ हम लोग सब बैठते हैं साथ में और एज सर को मैं बोलो बस हो गया भाई अभी चालू करो, मतलब इतना तो समझो आप लोग मीटिंग में बैठो कितना बड़ा चीज हुआ है, वो खुद भी नहीं जानता है कि इतना बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो गया, लोग हमारे को नजर डाल के बैठे हैं और ये लेवल पे ये होता है। तीसरा वाला ये होता है वो कुंभकर्ण के स्लिप से उठ के आता है क्योंकि एक आईडी ले लिया था उसने, किसी ने छिटकाया था या कुछ हमालम से, अचानक उठ के आके बोलेगा और अपना बकवास चालू करेगा, बहुत कम लोग है, बहुत कम लोग है, और जो जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है जो एकदम एक्टिव है, वेरी सिंपल, 5 साल में मेरे को मालूम है, ये बैम्बू का जो एग्जाम्पल लिया था, बाम्बू ऐसा झाड़ है अगर बाम्बू और घास साथ में लगा लिया तो बाम्बू को 5 साल लगता है, 5 years, मतलब आप समझो 5 साल सिर्फ बाहर आने के लिए। ओके, उतने में जो घास है वो घास एकदम बाहर आता है लहराता है, ये हमारा सिचुएशन है, आप समझो। बहुत सारे लोग जो जो कॉन्सेप्ट करते हैं उन लोग देखेगा ये देखे पागल अभी तक इधर ही लगा है 3 साल से 4 साल से कुछ नहीं हो रहा है, इसको पागल बना है, सब कुछ है, क्यों,
क्योंकि हम लोग रूट के नीचे हैं, हम लोग रूट के नीचे इतना दमदार काम किया है कि रूट इतना तक पहुंच गया है कि उसको उखाड़ने का इम्पॉसिबल हो गया। घास तब तक ऐसा लहरा लहरा कि कोई 4 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 8 महीने में कुड़क हो गया, कट भी गया, गिर भी गया, मर भी गया, लेकिन यहाँ पे इतना जबरदस्त रूट हो गया है और हम लोग को अभी उगने का टाइम आ गया। याद रखो, याद रखो कि एक बैंबू का शूट जब स्टार्ट होता है दिन में 3 इंच ऊपर जाता है, 3-3 इंच, तो सोचो कितना फास्ट जाएगा। अंडरग्राउंड के टाइम, अंडरग्राउंड में जब काम होता है वो सिर्फ उसको दिखता है जो एक्चुअल में इन्वॉल्व है, जो देखता है कि बॉस उसको समझता है कि भाई अंडरग्राउंड में इतना काम हो गया, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, ऐसा ऐसा चीज हो गया। लेकिन एवरी टाइम ऐश बुपर सर अगर आके आपको बार बार बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया और इतना सब कार्यक्रम हो गया, उसका कोई नहीं सुनता है क्या? इतना सब कार्यक्रम मतलब ऑफिस लेने का बुर्ज खलीफा में, 2 फ्लोर उठाने का काम नहीं। दोस्तों आप देख रहे हैं MSD सर्च। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे ताकि आपको इस तरह की नॉलेज भरी जानकारी आपको मिलता रहे। साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आने पर इसे दूसरे फाउंडर के पास ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस तरह की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों हमारा मकसद वेबिनार की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है ताकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बचा जा सके। तो थैंक यू, आगे सुनते हैं। चलो ऐड डालता रेगुलर चीज करने का, दुबई के मॉल के अंदर कंटिन्यूस, मतलब कितना प्राउड होता है, कोई कोई कॉल करके बोलता है भाई तेरा ऑन पैसिव तो बोलता है, बोलते यहाँ पे छा गया है, कितना अंदर से फीलिंग आता है ऑन पैसिव स्टेशन। मेरा दोस्त ने पूरा वीडियो बना के भेजा था, मैं फेसबुक में भी डाला था, आप सोचो वो बोलता है भाई ये क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, मतलब उसने सीधा बोला कि ऐसा तो कोई कॉर्पोरेट कंपनी आज तक जिंदगी में किया ही नहीं है। और ये सच बात है, इट इज ट्रू दैट नेवर एवर एनी कॉर्पोरेट कंपनी हैज इवन डेयर टू थिंक, करने का तो बहुत दूर दूर की बात है। और अभी समझो, आप लोग समझो, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, अभी तो बिजनेस हमने अभी शुरू भी नहीं किया है और हमने ये कार्यक्रम करके रोज कर हो गया है, ऐसा नहीं कि हम लोग करने वाले हैं ऑन पैसिव स्टेशन, लोगों का मार्केटिंग ये सब। हम सिर्फ इस बार फाउंडर्स बी प्राउड, यू आर जस्ट 1.4 मिलियन, 14 लाख लोग इस तरफ है, इस तरफ है और उस तरफ ऑलरेडी गेट पे लोग खड़े हैं। ये सिचुएशन आ गया है तो थोड़ा पेशेंस रखो। वो आदमी, वो टीम, वो मैनेजमेंट का टीम, वो ऑफिस में जो लोग बैठे हैं उसका भी बेचारा, मैं तो बोलता हूँ उनको हमारा इतना कंसर्न है कि उन्होंने एक सडन मीटिंग लिया और वो मीटिंग में सारा कुछ बताया, उसका मतलब समझो, उसका मतलब समझो कि उन्होंने बताया कि वो OES में, मतलब हमारा इकोसिस्टम में हम लोग बार बार बहुत बहुत सब कुछ डाला तो कुछ टूट गया, प्रॉब्लम हो गया तो उसको रिपेयरमेंट करते हैं, और ओवरऑल हमको पूरा इकोसिस्टम नया ही मतलब उसको रिवाइज करने का था, तो रिवाइज करके हम लोग को डालने के बाद ही हम वो कनेक्ट लाएंगे, इतना बोला था। हाँ वो बोले थे कि शायद 3-4 दिन में होगा, लेकिन ये IT का प्रोडक्ट है भाई और पीछे जबरदस्त काम चालू है इसका, हमको मालूम है 100%। अगर आप देखेंगे कि फ्राइडे को जो आने का था वो थर्सडे को आया हमारा न्यू वेबसाइट, कभी भी हो सकता है, बट डोंट पुट द टाइम। टाइम के बारे में आपको बार बार बोला गया, मार्टी सर ने भी बोला, इन लोग ने भी बोला, टाइम क्या है भाई, बहुत अच्छा टाइम है हमारा, इससे अच्छा टाइम कहाँ नहीं हो सकता, मैं इतना लिख के देता हूँ, बिकॉज क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है हम लोग के बैकग्राउंड में, एज अ कंपनी तो बहुत बड़ा हो गया है, मतलब कोई भी IT के आदमी को अगर आप दिखाते हो कि ये ऑन पैसू जाके चेक करना तो पागल हो जाए। हेलो हेलो, ये मेरा एको आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अमित सर आप अपने आप को म्यूट कीजिए। अमित कुशाल जी कौन है? अमित सर प्लीज म्यूट कीजिएगा, मेरा टेम्पो रुक जाता है तो फिर मेरा गाड़ी रुक जाता है, फिर गाड़ी रुक जाता है तो उतर के फिर मेरे को कुछ चाय पानी पीना पड़ता है, तो ये ब्रेक के लिए मेरे को बहुत महंगा पड़ जाता है सर। प्लीज एवरीथिंग ओके? यस सर, ठीक है ना मेरा आवाज? यस परफेक्टली परफेक्टली सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू ज्योति जी। अच्छा तो मैं ये बात बोल रहा था कि ये मेरे को जब जब थोड़ा कभी कोई मैसेज आता है, कुछ आता है कि सर इस बार तो लॉन्च होगा ना, बॉस लॉन्च हम हो चुके और हम लोग जो स्टेप पे जा रहे हैं वो स्टेप कोई जिंदगी में, कोई दुनिया में कोई सोचा नहीं, वो स्टेप पे जा रहे हैं। और वो आदमी जो हमारा बॉस है
सीईओ आके पर्सनली हमको एड्रेस कर रहे हैं, पर्सनली एड्रेस करके बता रहे हैं क्या क्या हुआ है। और मुझे यकीन है, मैं इतना बोलता हूँ कि वो ओएस का कार्यक्रम हो गया है, वो इधर आ गया है, जैसा ही ओएस दिखेगा। और हमको इट इज ओके अमित कौशल जी, हमको इतना पता है 100% कि जैसा ही वो दिखेगा तो इमीडिएटली मुझे पता है, जैसा एस सर ने बताया तो वो कनेक्ट भी दिखेगा, शायद हमारा लिंक्स भी दिखेगा। लोग बोल रहे हैं अभी हम लोग को क्या करना है, मेरा प्लीज एक बात समझिए, सब लोग आइडिया दे रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब में ये करना, फिर आपको लिंक मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ऐसा आएगा। मैं तो बोलता हूँ प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो, बस और कुछ मत करो। जैसा ही हमारा बैक ऑफिस में आएगा, मुझे लगता है कि जैसा हर प्रोडक्ट के पीछे जब आप आपका इकोसिस्टम खोलोगे तो डायरेक्ट आपका ही लिंक रहेगा, वो कॉपी करके डालना है। लेकिन ये भी मैं मेरा आइडिया से बोल रहा हूँ, तो किसी का अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, हर एक का माइंड का हिसाब से अपना अंदाज लगा रहे लोग। ओके, तो दोस्तों और भी इस तरह के अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। हम इस तरह के अपडेट, जो वेबिनार में कही गई बातें जो आप लोगों को सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट भरा होता है और बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन होता है, वो क्लिप हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं, क्योंकि सभी फाउंडर पूरी वेबिनार अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे फाउंडर के लिए ये छोटा सा 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो क्लिप आपके लिए बहुत ही खास होता है। तो इस तरह की अपडेट देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको इस तरह के अपडेट छोटे छोटे पार्टों में मिलता रहे और आप टाइम ना होने के बाद भी आप इसे आसानी के साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक